नमस्कार। उत्तर प्रदेश के चुनावी अखाड़े में एक और गठबंधन आ गया। ये गठबंधन यूं तो कोई बहुत बड़े दलों का एक साझा मंच नहीं है, लेकिन इस गठबंधन की महत्ता इस कारण से है इस वक्त, चूंकि ये गठबंधन समाजवादी पार्टी का जो मूल नारा है, जो मूल स्वर है, उसका मूल नारा है पीडीए, उसके काउंटर में आया है। इसीलिए ये आशंका भी है कि ये नवजात गठबंधन समाजवादी पार्टी के कोर वोट बैंक में सेंध लगाने के लिए आया है क्या? अखिलेश यादव का नारा है पीडीए, और पीडीए की वो अपने अपने ढंग से व्याख्या करते हैं। कभी पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक, कभी पिछड़ा दलित आदिवासी, कभी पिछड़ा दलित आधी आबादी, लेकिन पीडीए उनका नारा है। अब इस नारे के जवाब में एक नया नारा आ गया, पीडीएम। पी और डी कॉमन है, उधर ए था, इधर सीधा एम आ गया। सोनेलाल पटेल की बिटिया पल्लवी पटेल और हैदराबाद वाले असदुद्दीन ओवैसी एक साथ आए और उन्होंने पीडीएम न्याय मोर्चा बना दिया। पीडीएम, पल्लवी पटेल कह रही है कि पीडीएम का मतलब पिछड़ा दलित मुसलमान, कोई कंफ्यूजन नहीं कि कहीं आधी आबादी, कहीं आदिवासी, कहीं अल्पसंख्यक, नहीं, पिछड़ा दलित मुसलमान, पिछड़ा प्लस दलित प्लस मुसलमान इज इक्वल टू पीडीएम। और साथ में ये आरोप भी लगा रहे हैं ओबीसी और पल्लवी पटेल कि अखिलेश यादव के पीडीए में कन्फ्यूजन ही कन्फ्यूजन है। वो ये तही नहीं कर पा रहे हैं कि पीडीए में ए का मतलब अल्पसंख्यक है कि नहीं। वो जैसा मंच देखते हैं, जैसी भीड़ देखते हैं, वैसे ही व्याख्या कर देते हैं। और हम ओरिजिनल वाले हैं। आप जब गाजियाबाद से सहारनपुर की तरफ जाओ तो रास्ते में आपको तमाम ढाबे मिलेंगे और हर ढाबे पर लिखा होगा असली मामा का ढाबा। अब ये पता करना मुश्किल कि असली कौन है ढाबा। वैसे मामला उत्तर प्रदेश में हो गया। पीडीए पीडीएम दोनों में लड़ाई, एक ही वोट बैंक के लिए दोनों कह रहे असली हम। अब ये जो पल्लवी पटेल और ओवैसी का गठबंधन है, इसको मोटे तौर पर पिछड़ा और दलितों का अलायंस, पिछड़े और दलितों का अलायंस माना जा रहा है, अपने पिछड़े और अल्पसंख्यक मुसलमानों का अलायंस माना जा रहा है। दलित इसमें आएंगे नहीं आएंगे भी कहना मुश्किल है, क्योंकि लेकिन हाँ, पटेल कुर्मी और मुसलमान, इसको अगर और हम जीरो इन करें तो उनका गठबंधन ही माना जा रहा है। वोट कितना आ पाएगा नहीं आ पाएगा, ओबीसी कितना वोट यहाँ क्रिएट कर सकते हैं उत्तर प्रदेश में। देखिए, आपकी सभा में भीड़ आना एक विषय है, लेकिन आपको वोट मिलना दूसरा विषय है। ओबीसी उत्तर प्रदेश में जहाँ भी जाते हैं भीड़ खींचते हैं, उनके पास भाषण देने की कला है, लेकिन वोट में कितना कन्वर्ट हो पाएगा ये देखना होगा। और पल्लवी पटेल ने भी अभी कोई सिराथू के इलेक्शन को छोड़कर, जिसमें वो खुद लड़ी थी समाजवादी पार्टी की टिकट पर, उसको छोड़ दें तो फिर उनकी पार्टी ने अभी तक, पल्लवी पटेल और कृष्णा पटेल उनकी माँ, दोनों ने अभी तक कोई बड़ा चुनावी इम्तिहान पास नहीं किया है। अभी किसी भी कोई भी ऐसा इम्तिहान नहीं जिसमें उन्होंने फर्स्ट डिवीजन पास की हो पोलिटिकल इम्तिहान, तो उनके लिए भी इम्तिहान है। वो वोट कितना अपनी जाति का, अपने वर्ग का इसमें ला सकती हैं। और एक घटना और घट गई, स्वामी प्रसाद मौर्य, आपको नाम तो याद ही होगा, अपने बयानों को लेके हर वक्त विवाद की गंगा बहाते रहते। मौर्या जी के कुंडी खटखटाते हाथ दर्द कर गए, लेकिन इंडिया एलायंस वालों ने कुंडी नहीं खोली, ना अखिलेश यादव ने खोली, ना कांग्रेसियों ने खोली। अब बताइए, मतलब कोई बेइज्जती की भी कोई इज्जत होती है? नहीं,
ये तो वहां, ये तो उससे भी आगे की बात हो गई। जाने कितनी बाइट दी होंगी मौर्या जी ने कि हम इंडिया गठबंधन को मजबूत करने के लिए लड़ रहे हैं, और इंडिया गठबंधन वाले दरवाजा खोल छोड़ो खिड़की खोलने को तैयार नहीं थे। फिर स्वामी जी क्या करते, दुख की गंगा में गोते खाते रहे, और खाते खाते अचानक उनको लगा कि ना अब तो बहुत देर हुई जा रही, तो उन्होंने ऐलान कर दिया कि मैं कुशीनगर से चुनाव लड़ूंगा खुद, और एक अपने शागिर्द को अभी टिकट घोषित कर दिया कि ये भी लड़ेंगे फलानी जगह से। स्वामी ने एक पत्ता चला है कि शायद इंडिया गठबंधन वाले कुछ हमारी तरफ ध्यान दे लें, और नहीं दिया तो पर्चा भरेंगे क्या करेंगे, भाई सियासी आदमी है घर तो बैठेंगे नहीं। लेकिन देखना यह है कि क्या आगे चल के स्वामी प्रसाद मौर्य भी इस अलायंस में आ सकते हैं क्या, पल्लवी पटेल और ओवैसी वाले। और एक कोण और याद रखिए, मुख्तार अंसारी की मृत्यु के बाद मुख्तार अंसारी के घर जाने वाले दो बड़े नेता हैं बस, एक स्वामी प्रसाद मौर्य और दूसरे ओवैसी, अन्यथा मायावती से लेके अखिलेश यादव तक, रामगोपाल यादव से लेके और शिवपाल यादव तक कोई अभी तक गाजीपुर में बड़ा फाटक गया नहीं मुख्तार के घर शोक व्यक्त करने। ओवैसी जरूर गए और मौर्य गए। अब इसका भी कोई चुनाव का वक्त हो और नेता के आने जाने का कोई सियासी मैसेज ना हो, ऐसा तो संभव नहीं। कुछ तो मैसेज है, कोई तो मैसेज है, वही मैसेज बड़ा है। मुख्तार का घर इस वक्त एक पॉलिटिकल मैसेज का सेंटर है। अब अखिलेश यादव ने, मायावती ने समय समय पर मुख्तार और उसके परिवार के साथ अपने राजनीतिक संबंध और रसूख रखे, उनका लाभ लिया, उनको लाभ दिया, उनसे लाभ लिया, उनको लाभ दिया, दोनों चीजें हुई। मुख्तार दोनों के प्यारे रहे, मुलायम सिंह यादव के भी, मायावती के भी। ये मुलायम सिंह यादव ने उनको इतना महत्वपूर्ण माफिया डॉन बना दिया कहा जाता है, तो मायावती ने उनको भरे मंच से रॉबिन हुड की संज्ञा दे दी थी मुख्तार को। तो मुख्तार से रिश्ता दोनों का रहा, मायावती का भी और मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव। अब सवाल उठता है कि मुख्तार के घर फिर मातम पुरसी करने जाने से परहेज क्यों? अगर आपने मुख्तार से फायदा, सियासी नफा लिया है, मुख्तार को एक बड़ी हैसियत बख्शी उसके एवज में, तो फिर अब ये पर्देदारी क्यों? इसी पर्देदारी को एक्सपोज करने के लिए, बेनकाब करने के लिए ओवैसी गाजीपुर में, मोहम्मदाबाद में मुख्तार के घर गए। उनका मकसद साफ है, ताकि वो उत्तर प्रदेश के मुसलमानों को ये मैसेज दे सके कि जिन राजनीतिक दलों और नेताओं ने मुख्तार अंसारी की ताकत का इस्तेमाल करके अपनी पार्टी के लिए एक मजबूत राजनीतिक स्थिति हासिल की, उन लोगों ने मुख्तार के मरने के बाद मुख्तार के घर जाने तक की जहमत नहीं उठाई। यह भी चुनाव में मुद्दा बनेगा, लिख लीजिए। ओवैसी और मौर्या दोनों इसीलिए गए। अब सवाल उठता है कि ओवैसी के जाने के बाद क्या समाजवादी पार्टी का जो प्रथम परिवार है, फर्स्ट फैमिली यादव परिवार, उसमें से कोई जाएगा बड़ा नेता, बड़ा चेहरा मुख्तार के घर मातम पुरसी के लिए? और मायावती न सही तो क्या आकाश आनंद जाएंगे मोहम्मदाबाद में बड़ा फाटक? ये भी एक बड़ा सवाल है, क्योंकि चुनाव सर पर है और पूर्वांचल में मुख्तार भी एक मुद्दा है, ये ध्यान रखिएगा। धन्यवाद।